नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं केर का अचार। केर का अचार बनाने से पहले मैंने केर को धो लिया है, इसके डंठल नहीं हटाए हैं मैंने, क्योंकि अगर हम डंठल हटाकर इसे भिगोएंगे तो इसके अंदर पानी चला जाएगा, इसलिए मैंने डंठल नहीं हटाए हैं। ये देखिए, इसके बड़े बड़े डंठल हैं। तो मैं केर को अचार बनाने से पहले, केर बहुत ही कड़वे होते हैं, तो इसे नमक के पानी में गालूंगी। नमक के पानी में गाल कर हम इसे 8-10 दिन के लिए रख देंगे, जब तक कि इसका कड़वापन ख़त्म ना हो जाए। तो इसके लिए ये मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है, तो इस मिट्टी के बर्तन के अंदर हम हमारे केर डालेंगे। तो यहाँ मैंने नमक लिया है 2 बड़े चम्मच, ये 2 बड़े चम्मच मैंने नमक लिया है। तो अब हम इसे नमक के पानी में भिगो देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ केर को धो लिया था, तो मैं इसे इसके अंदर डाल दूँगी, इस मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दूँगी। मिट्टी के घड़े में या प्लास्टिक के कोई भी डिब्बे में, बाल्टी में ही केर को गाल कर रखना, क्योंकि अगर आप स्टील के या और किसी बर्तन में गालोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसे डाल देती हूँ इस तरह। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। पानी आप इतना डालिए कि केर आपके आराम से इसके अंदर डूब जाए। और ये मैंने जो नमक लिया है यहाँ पे, तो मैं इसके अंदर ये नमक डाल दूंगी। ये देखिए, हमारे केर अच्छे से डूब चुके हैं। तो अब मैं इसे ढककर 8-10 दिन के लिए रख दूंगी। ये देखिए, हमारे केर को 10 दिन हो गए हैं, मैंने 10 दिन इसे गालने के लिए रख दिया और ये गलकर एकदम तैयार हो चुके हैं। इसे चक्कर देख लीजिए, इसमें कड़वास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसे चक्कर देख लिया है, इसमें कड़वास बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इसे चूट लेंगे। ये हमारे 500 ग्राम केर थे जिसे मैंने भिगो दिया था। भीगने के बाद ही आप इसके डंठल हटाइए। तो मैं इसके डंठल हटा कर तैयार कर लूँगी और फिर इसे धूप में सुखा दूँगी। इस तरह इसके डंठल हटा लीजिए, एक एक करके इस तरह डंठल हटा लीजिए। और डंठल हटाने के बाद मैं इसे कॉटन के कपड़े में धूप में सुखा दूंगी, ताकि इसके अंदर कोई पानी ना रहे। ये देखिए, हमने हमारे सारे केर के डंठल हटा दिए हैं और इसने अच्छे से सुखा लिया है। इन्हें अच्छे से सुखा लीजिए और केर को इस तरह तोड़कर चेक कर लीजिए कि कोई ख़राब तो नहीं है। तो आप इस तरह चेक कर लीजिए कि कोई केर ख़राब तो नहीं है हमारा, और ख़राब हो तो उसे निकाल दीजिए। तो अब मैंने यहाँ 1/2 किलो केर लिए थे, तो 250 ग्राम मैंने यहाँ तेल लिया है। यहाँ मैंने नमक लिया है, अमचूर लिया है। मसाले हमने इसके अकॉर्डिंग डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच अमचूर लिया है, 2 छोटे चम्मच नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ मेथी दाना लिया है, लाल मिर्च पाउडर ली है। 1 चम्मच मैंने यहाँ गर्म मसाला लिया है, हल्दी ली है, जीरा लिया है, सौंफ ली है, हींग है, 1/3 चम्मच हम हींग डालेंगे। 2 चम्मच हमारी कलौंजी है, हम कलौंजी डालेंगे। तो सबसे पहले ये तेल हमारा सरसों का है, तो मैं तेल गरम करने रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और तेल गरम करने रख देते हैं। ये देखिए, हमने पूरा तेल गरम करने के लिए रख दिया है। मैंने गैस हाई कर रखी है, मैं इसे अच्छे से गरम कर लूँगी, क्योंकि ये सरसों का तेल है तो हमें इसे धुआंधार गरम करना है। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से धुआंधार गरम हो गया है। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसके बाद में थोड़ा सा इसे ठंडा करके हम जीरा डालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं 1 चम्मच इसके अंदर जीरा डाल दूंगी। जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। तो मैं 1/3 चम्मच इसके अंदर हींग डाल दूंगी। अब हम इसमें हमारे केर डालेंगे। इसे मैं पहले तेल के अंदर डाल दूंगी और इसे चला लेंगे। गैस अभी भी मैंने बंद रखी है, गैस मैंने ऑन नहीं की है। अब मैं इसके अंदर मसाले डाल दूंगी। तो मसालों में मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ दाना मेथी ली है, वो डाल दूंगी। 1 चम्मच में यहाँ हल्दी पाउडर डाल दूंगी। 3 चम्मच में यहाँ सौंफ डाल दूंगी। 2 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए।
दो छोटे चम्मच में नहीं अक्कर नुंजी ली है वो डाल दूंगी, दो चम्मच में यहाँ नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। गैस अभी भी हमने ऑन नहीं की है और हमें गैस को ऑन करना भी नहीं है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूंगी, एक चम्मच में नया अमचूर पाउडर लिया था वो डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। अभी हमारा तेल थोड़ा थोड़ा गर्म है तो इसमें मसाले अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए हमारा केर का अचार बनकर एकदम तैयार हो गया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख देंगे, फिर इसे बिल्कुल ठंडा होने पर बीच बीच में आप इसे चला लीजिए, क्योंकि हमारा तेल थोड़ा गर्म है तो बीच बीच में आप इसे चला लीजिए और बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप इसे कंटेनर में भरकर रख दीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा अचार बना है हमारा केर का। ये देखिए तेल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। इतना तेल रहने से हमारे डिब्बे में केर के ऊपर तक तेल आ जाएगा तो हमारे केर का अचार ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।